हमारे तो खुद में जीते हैं, क्योंकि आप उस जगह को जाने की कोशिश ना करें। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज हमें हमारे फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बताया कि हरीश भाई हमारे सिटी के अंदर एक लोकेशन जो कि काफ़ी डरावनी और काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है। तो हम वहाँ से हमारी सिटी से आ चुके हैं, हाईवे पर आप देख पा रहे हो, हाईवे पूरा थोड़ा घुमा दिए भाई, इधर हाईवे दिखा दे सकते हैं भाई। जब हम हाईवे पे हैं तो हमें सिंपल यहाँ से एक समथिंग 5 या 6 किलोमीटर हमें आगे जाना है, उसके बाद हमें उस हॉन्टेड लोकेशन पहुँचेंगे। हमारे साथ मुकेश भी आ चुके हैं, हमारे मोहित भाई साथ में। मोहित भाई पता नहीं सुबह से निकले थे उस सवाल से, तो अभी भूखे ही है, तभी वो खाना वाना खा रहे हैं आई थिंक, कुछ पैकेट वगैरह लेके आया, तो बैठे बैठे नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो गाइस चलो आपको लेके चलते हैं उस हॉन्टेड लोकेशन पे और उधर दिखाते हैं कि उधर क्या सीन है। हमने हमारी पिछली वीडियो में दिखाया था कि जो मतलब कोई दुल्हन थी पता नहीं क्या था, जो अचानक से भाई हमारे सामने आ गया। उस दिन हम काफ़ी डर चुके थे क्योंकि वो काफ़ी हमारे आगे साइड बहुत दूर थी हमसे, और हमारे जो क्रिश भाई थे ना वो डर के भाग डर गए थे। तो भाग के जा रहा, तो हमारा पूरा फोकस क्रिश भाई के ऊपर कि भाई क्रिश भाई मतलब ढलान पर पूरा, हम पहाड़ी पे थे ना तो सोचा हमने क्रिश भाई गिर ना जाए। हमने पूरा लाइट फोकस वगैरह सब उन पर कर लिया, कैमरा भी उनके ऊपर घुमा दिया पूरा। और जैसे ही गाइस लिटरली मनोज भाई ने कैमरा घुमाया, मैं पीछे मुड़ा ना, देखा हमारे एग्जैक्टली हमारे पीछे खड़ा है, मतलब कौन था हमें कुछ दिखा नहीं, बट हमने वहाँ से सीधा भागने में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम सीधा भागने में लग गए वहाँ से। तो गाइस आज हम आपको लेके चलते हैं हॉन्टेड लोकेशन पे, एक और नई जगह है। तो गाइस चलो हम आपको उधर लेके चलते हैं, तब तक के लिए वेट करो, हमें 5 किलोमीटर आगे जाना है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को छोड़ के मत जाना, और जो कोई भी चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बेल आइकन को दबाना मत भूलना, बेल आइकन दबा के उसको कॉल कर देना, और लाइक करना बिल्कुल भूलना भाई, क्योंकि आपका जो प्यार है ना वही हमें स्ट्रांग बनाता है। योर लव मेक मी स्ट्रांग। ओके गाइस, हम आगे भी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला के लाते रहेंगे, अगर आपने इतना ही सारा हमें प्यार देते रहे। आपने हमारी पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया था गाइस, हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो के अंदर भी हमें बहुत सारा प्यार देंगे। ठीक है गाइस, तो हम आप चलते आगे और हम मिलते आगे आपको उस लोकेशन पर जाकर। ठीक है, तब तक गाइस वेट करो चैनल के ऊपर भाई। तो गाइस हम निकल पड़े हैं उस लोकेशन पर, मोहित भाई ड्राइविंग कर रहे हैं स्कूटी की, और हमारे साथ एक सुनील भाई आ चुके हैं जो अभी कैमरा संभाल रहे थे, और मुकेश भाई साथ में हमारे। गाइस चलते हैं उस लोकेशन पे, देखते हैं क्या सीन है। और गाइस जगह बहुत ही गाइस लोकेशन है पूरा, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड ने बोला था, जो कि मतलब हमें सब्सक्राइबर ने कमेंट मैसेज किया था, उन्होंने बोला कि पैसा उधर जाओ संभल के जाना, उन्होंने मतलब हमें चेतावनी दी पूरी, बट एक चैलेंज भी दिया उन्होंने जो हमें कम्प्लीट करना है उधर पहुँच के। ठीक है, तो उधर जाके मिलते हैं, तब तक के लिए इंतजार करो, हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, और गाइस यार तब तक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है गाइस, प्लीज़ आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपका जो प्यार, वो प्यार हो ना जो सब्सक्राइब का और लाइक का, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हेलो गाइस, हम आ चुका है इधर, देखिए इधर पूरा सुनसान सा रास्ता है, इधर भी पूरा सुनसान सा रास्ता है, तो हम चलते हैं, हमें जाना इसके अंदर। सिंपल गाइस देख रहे हो काफ़ी सारा अंधेरा है, अभी हमें पहले से डर स्टार्ट हो गया। वही पे चलो, डरना बिल्कुल से डरना मत, हाथ पैर चाहिए हो जाए, पब्लिक को हम पूरा सीन दिखाएंगे, तेरा क्या सीन है। डर तो लग रहा है पर जाना तो पड़ेगा पब्लिक के लिए। डर तो पड़ा, ठीक है, ये तो लगता है कोई पक्षी मर गया, जानवर मर गया, जानवर मर गया। तो गाइस चलो चलते अंदर, चलते हैं काफी सीन बनाऊंगा। बहुत ही डरावना सीन आ रही है, बहुत ही खतरनाक। आज कैसे रेडी से बजा रही वो पक्ष जानो, वो दीवी देखो ना फोटो में क्या हो रहा है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। आ जाओ सुनील भाई, आ जाओ, ये किसका पेड़ है? बेंबू का है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे बेम्बू के पेड़ है भाई, मुझे तो डर लग रहा है अंदर जाने से। अरे मुझे खुद को डर लग रहा है यार, बहुत ही अंधेरा और पेड़ इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पे बेम्बू। भाई क्या हो गया, मुझे आप देख के चलना, अपने ऊपर भी लाइट होगा फिर बात आपके ऊपर भाई, पेड़ देख रहे। ठीक है, तो मुझे हम आगे जाना चाहिए, मेरी तो अभी से फट रही है, आगे चलना चाहिए हमें। क्या बोलते हो, समझ आ गया हमें? आप जो बोलोगे वो करेंगे सरकार,
अरे मैं तो क्या बोलूँ यार, बहुत ही डर लग रहा है। डराने जैसे डर जब डराने तो है वैसे यार, उसमें लोकेशन भी भारी भी है। अरे नहीं, लिटिल एन रोड से भी समथिंग आधा किलोमीटर अंदर ही आया यार, उसके अंदर ही मुझे डर लग रहा है। तो उसने तो बोला ना भाई लोकेशन के अंदर 2 किलोमीटर अंदर जाना है, उधर बाइक भी नहीं जाएगी, उसने ऐसा बोला। मुकेश भाई क्या कहते, जाना चाहिए आगे? मुझे बहुत डर लगता है भाई, ने मैसेज किया यार, उधर गए नहीं तो भी भाई बेइज्जती हो जाएगी अच्छी गंदी बहुत। मुझे डर लग रहा है भाई, क्या करें। सुन रहे क्या बोलते, आओगे आप, कैमरा संभालोगे? चलो संभाल लेंगे भाई, चलो चलो अभी चलेंगे, आप चलेंगे, चलो चलो निकलना पड़ेगा फटाफट यहाँ से, निकलना पड़ेगा, बहुत ही डरावनी जगह। ऐसा फोकस में हो रहा है, ऐसा है ये महाकाल की जय बोल के चलो भाई, बोलो हर हर महादेव। अजीब अजीब से आवाज आ रही है मुझे, मोहित भाई ये पेज टाइम देखते रहे, तुम्हारे मुझे अजीब से आवाज आ रही है मोहित भाई। देखो सच्ची बताओ ना, मुझे ऐसा लग रहा है इधर कोई अंधे की शक्ति है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, आवाज आ रही है पर लेकिन कोई दिख रहा नहीं, जानवर की आवाज आ रही है, पक्षी की आवाज आ रही है। लेकिन मुझे सच्ची मुझे लग रहा है कोई अंधे की शक्ति इधर मुझे महसूस हो रही है। अभी पक्षियों की आवाज आ रही थी ना, अचानक से रुक गई है आवाज। लेकिन नहीं सच्ची बताओ ना, मुझे सच्ची बताओ मोहित भाई, देखो हां सही है, मुझे ऐसा लग रहा है इधर कोई ना कोई अंधे की शक्ति है जो कि मुझे महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है इधर। हरीश भाई मेरी तो फटी पड़ी है यहां पे, जाना है क्या आगे? मैं चैलेंज भी दिया यार, आगे ना गए तो बेइज्जती होगी मेरी यार। ये भी कभी आवाज आ रही है, पक्षी की आवाज आ रही है। रिश भाई मम्मी की कसम कह रहा हूँ, क्या अभी वो दो झाड़ के पीछे से कोई गया? मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी वो दो जा रहे ना ये वाले, हाँ उधर से मुझे कोई काले साये में जाता हुआ दिखा है। सही कह रहा हूँ मैं? अचानक से नजर पड़ी है वहाँ पे, ये तो पीछे हटे। चलो हमें आगे जाना नहीं है गाइस। सुरेश भाई आपने जो कमेंट किया था ना, जो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज किया, तो गाइस हमें लोकेशन बहुत ही हॉन्टेड लग रही है वैसे, और भाई हमारी पूरी टीम भी इधर नहीं है, हमें वसंत वगैरह है नहीं इधर, तो हमारी पूरी टीम भी इधर नहीं है गाइस, तो हमें मतलब काफी सारा डर लगा। कोई तो है यार, अरे किसी बच्चे के रोने की वजह आ रही है, आपको भी आ रही है? कोई बच्चा रो रहा है, इस साइड से आवाज आ रही है ऊपर की साइड से। गाइस जिसने भी मैसेज किया था ना, तो भाई अभी के लिए भूल जाओ, हम आपको मिलेंगे, हम अपनी टीम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम अपनी टीम लेके आएंगे, इसका पार्ट 2 लेके जरूर आएंगे। गाइस हमारी फट रही, सच्ची बताओ लिटरली हमारी फट रही गाइस, कोई तो है यार, छोड़ देना यार, यहाँ पे मैंने किसी को देखा था यार। अरे वही तो बोला मुझे अंधे की शक्ति महसूस हो रही है, कोई देख भी नहीं रहा है। सुन भाई एक काम करो, आप कैमरा करो बंद।